तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है फिजिक्स क्लास 12th के न्यूक्लियाई चैप्टर के 13.2 एग्जांपल से। आज सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। देखिए, आपको तो पता है कि आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक इक्वेशन को देने से पहले एनर्जी के कुछ सीमित सोर्सेस थे, बट आइंस्टीन जब आए थे तो उनका कहना ये हुआ था केवल एनर्जी किसी सोर्स से डायरेक्टली नहीं हमें मिल सकते हैं, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी एनर्जी हमारे यानी किसी भी बॉडी के साथ अपने आप एसोसिएटेड होती है और उस बॉडी से हम लोग उतनी एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, बॉडी में जो मास होती है उससे एनर्जी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उससे उतने उस मास के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक बॉडी में होती है। एंड दैट इज द इक्वेशन विच एक्सप्लेन दिस थ्योरी, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दिस इज E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ये था आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है ना, जहां पर E जो थी ये एनर्जी थी, E हमारी एनर्जी है जो किसी बॉडी के साथ एसोसिएटेड हो रहा है, यानी एम मास की बॉडी है, इसमें जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो कितनी है, E है, यानी इस मास की इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ये एनर्जी निकलेगी। यानी एनर्जी किसी हम दूसरे सोर्स से अलग तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं मतलब कि वो तो करते ही हैं, लेकिन केवल वही काम नहीं कर सकते, हम लोग मास से भी एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ये एम जो मास है वो मास हमारा केजी में होना चाहिए, जब एनर्जी हम लोग जूल में लिए हैं एसआई यूनिट में है तो मास भी यहाँ पर केजी में रहेगा। और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी एसआई यूनिट में लिया जाएगा। एंड सो दैट यहाँ पर सवाल जो है वो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस दिए गए हैं, हमारे पास जो मास है वो मास दिया गया है 1 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ kg, यानी कि 1/1000 किलोग्राम हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पर ये मास है और हमें एनर्जी में कन्वर्जन करना है, तो डायरेक्टली यहाँ एनर्जी हम लोग को निकालनी है, मास 10⁻³ - 3 kg, C³ × 10⁸ का होल स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड रहेगा अंदर में, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻³ × 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये 10⁸ का स्क्वायर करोगे 10⁻⁶ हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो यूनिट रहेगा वो यूनिट हो जाएगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू जूल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁶, में 3 गया तो यहाँ पर हो गया 13, इतना जूल। अब देखो यहाँ पर 9 × 10⁻³, यहाँ पर हम लोग जूल जो है यहाँ पर एनर्जी को हम लोग देख रहे हैं, तो बात यहाँ पर ये एनर्जी जो होती है बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ये एनर्जी जो है जस्ट लाइक बम जो फटता है ना, ब्लास्ट होता है ना, उस टाइप की ये एनर्जी है। तो इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मात्र 1 ग्राम के सब्सटेंस से एसोसिएटेड है, जरा सोच सकते हो कि छोटे से मास का ऑब्जेक्ट इतनी एनर्जी कंटेन करके रखा हुआ है। तो आप जो खुद अपने टेबल पर बैठे हुए हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो बताओ तुम्हारा मोबाइल, इवन कि तुम खुद कितने भारी हो और तुम्हारे अंदर में कितनी एनर्जी है, और क्या ये तुम एनर्जी का सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, ये कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।